तो गाइस हम निकल चुके हैं और ये जो रास्ता है ये बागपत की तरफ से हम लेकर जाएंगे आपको। एक जो शामली वाला रास्ता है ये बिल्कुल अलग है, अनएक्सप्लोर्ड है हमारे लिए और इस पर आपका टोल भी नहीं लगेगा। तो देखते हैं ये वाला रास्ता कैसा होने वाला है और इस रास्ते पे हमारे कैसे एक्सपीरियंस होने वाले हैं आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। और प्लीज़ आप इस ब्लॉग पर बने रहें ताकि आपको इस रास्ते की, इस रूट की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाए और हम आपको अपने इस शो में कैंपिंग के अमेजिंग एक्सपीरियंसेस देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू की जाए। इन लोगों ने आइसक्रीम ख़रीद ली है और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये लोनी बाईपास है, यहाँ से हम निकलेंगे और अब आपको रास्ते में सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कहाँ पर हम कैसे मुड़ रहे हैं, क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो इस रूट पर कोई ज़्यादा टोल नहीं है हमने देखा है और ये रास्ता बिल्कुल अलग है और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है कुछ कुछ जगह पे, तो हो सकता है हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, पर जो भी होने वाला है हम आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये ऊपर एक पुल दिख रहा है, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जो कि बस दिसंबर तक में रेडी होने वाला है। देखिए इसका सारा काम अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है, पुल बन चुका है, पिलर्स बन चुके हैं, ऊपर रोड पर लाइन्स वगैरह भी हो गई है, ये मोस्टली कम्प्लीट है। और ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से, वहाँ पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को लिंक करते हुए ये बनाया और यहाँ से सीधा सहारनपुर जाएगा। तो ये हाईवे दिल्ली से बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाएगा। टोटल दूरी इसकी करीब 220 से 240 किलोमीटर के आसपास, 240 किलोमीटर अभी है बट ये एक्सप्रेसवे जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी दूरी 210 या 220 किलोमीटर हो जाएगी। और बाकी टोल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा, आप देखते हैं इस पर कितना टोल है इस हाईवे पे। स्टार्ट होने के बाद ही पता चलता है। हाँ, हालांकि इस पर ज़्यादा टोल है नहीं, एक या दो टोल पड़ता है। और बाकी जब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा तब तो एक्सप्रेसवे के हिसाब से टोल लगेगा इस पर। नहीं, हमारे रूट पे शायद बहुत मिनिमम टोल है जिस पे हम जा रहे हैं। हाँ, इस पे तो बहुत ही कम टोल है और हालांकि मुझे अभी जितना रास्ता मिल रहा है अभी तो ठीक है, अच्छा है, बिना टोल के रात में शांति से आप ड्राइव करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं इस रूट पे। बाकी तो एंड तक पता चलेगा, उसके लिए बने रहना पड़ेगा ब्लॉग में पूरा का पूरा। बाकी रोड कंडीशन तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी है इस रोड पे, मैंने देखा है सीएनजी हर जगह मिल जा रही है। अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो बहुत सारी पेट्रोल पंप्स हैं इस रोड पे जिन पे आपको सीएनजी मिल जाएगी और सारे पंप खाली हैं, एकदम खाली पड़े लाइन ही नहीं है। रात में तो एकदम खाली पड़ा हुआ है और अभी तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि हमारी गाड़ी अभी तो देहरादून तो पहुँची जाएगी आराम से। हाँ, देहरादून नहीं भी पहुँची तो सहारनपुर तो पक्का पहुँच जाएगी और बाकी तब तक देखेंगे या तो सहारनपुर या देहरादून की रोड कैसी मिलती है। सीएनजी का अगर मीटर देखें तो मीटर यहाँ पे पूरा है लगभग, हमने सीएनजी फुल कराई और अब हम देखेंगे लास्ट कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं क्योंकि तो सीएनजी की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये शायद मंडोला जगह पड़ रही है ना, मंडोला मंडोला है शायद। अच्छा लगता है ड्राइव करना भी और रूट ना कितना भी बिजी हो पर नाइट में शांत हो ही जाता है। कैसा ट्रक है लगाड़े में गर्मी के टाइम में भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, एसी भी चलाया अभी हमने और ठीक लग रहा है। और जैसा कि देख रहे हैं ऊपर ये पूरा हाईवे चलता चला जा रहा है एक्सप्रेसवे, ऊपर ऊपर रोड के। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है पर अभी मैं 60 पे चला रही हूँ क्योंकि रात है, कोई है नहीं। डे टाइम में आपको शायद 40 की ही स्पीड मेंटेन करनी पड़े और शायद वो भी ना हो पाए क्योंकि डिपेंड्स कि ट्रैफिक कैसा है, अभी तो कुछ नहीं है तो मैं आराम से 60 में से मैंने करके छोड़ा हुआ है, एकदम बढ़ा सकती हूँ पर मेरे को इस रूट पे थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं
कई कई बार दोनों साइड से भी गाड़ियां आती हैं, कुछ क्रॉस भी करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, अभी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन है, या गाड़ी कहीं कहीं वन वे एक ही लेन पे दोनों साइड ओपन है। राइट, कहीं कहीं पे ना जैसे टूटा हुआ भी है तो वो सब चीजें हैं, इतना प्रिडिक्ट नहीं कर मिलता। अभी तो 60-70 के अराउंड में चल रही हूँ, पर ठीक है, ये स्पीड भी अच्छी है। अच्छा, एक चीज ये बड़ी बढ़िया है यहाँ पे, ऊपर ये हाईवे बनने से छत मिल गई है, ऐसा लग रहा है रोड पे छत है। राइट, और दिन में भी गर्मी नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी। हाँ, धूप नहीं लगेगी, पूरी छत, जितनी चौड़ी रोड उतना चौड़ा हाईवे। ये काम अच्छा है, ये हर जगह ऐसे ही एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। राइट, इससे ना डबल फायदा हो जाता है, एक तो आपकी जगह बच जाती है, लोग उड़ा रहे हैं अभी भी। अरे कुछ कुछ जगह ये शायद मैंने सुना था आगे ये नदी के बीच में भी बना है, सहारनपुर के आसपास ये पूरी नदी के साथ साथ चलता गया है। वाओ, फिर तो और ज्यादा क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें जो ग्रीन बेल्ट कॉरिडोर है, जिसमें यानी कि सहारनपुर के बाद जो वो वाला एरिया है, क्या कहते हैं उसको, कौन, राजा जी नेशनल पार्क वाला, उस रास्ते से होके ये हाईवे जा रहा है। और वहाँ पे हम लोग आपको दिखाएंगे, उस हाईवे में नदी है, नदी के ऊपर ऊपर ये बन के गया है, और प्लस वहाँ पे जानवरों को पार करने के लिए अंडरपास बने हैं, मतलब ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी और हाईवे के नीचे से जानवर क्रॉस कर सकते हैं, हाथी क्रॉस कर सकते हैं, तो इको फ्रेंडली कॉरिडोर ये बनाया गया है, डेवलप हो रहा है। हाँ, सही है। गडकरी जी ने काम तो करा है, बहुत किया है नितिन गडकरी ने, बहुत अच्छा काम किया रोड पे। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले रोड पे इतनी स्पीड में काम हुआ था कहीं, एक से एक हाईवे बनते चले जा रहे, भले टोल टैक्स महंगा हो गया लेकिन हाईवे एक गजब बने हैं और कंडीशन भी हाईवे की अच्छी। सबसे बढ़िया तो मेरे को लगता है NH24 बना दिया उन्होंने, बड़ी कृपा है भाई। हाँ, एक हाईवे बड़ा अच्छा हाईवे है। नहीं, एक और हाईवे की तारीफ काफी सुनी है, मनाली, मनाली जो की नेर चौक से मंडी जाता है चंडीगढ़ के बाद, वो बहुत सुंदर हाईवे है, ओपन हो चुका है। आप देखिए वो कब तक जाते हैं, एक्सप्रेसवे है वो भी। हाईवे देख रहे हैं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। अगर आप कहीं और से भी आ रहे हैं तो इस एक्सप्रेसवे के थ्रू भी इस रोड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे ही जाना था ना, मेरे ख्याल से सीधे जाना। देखो बागपत शायद दिखा तो रहा है आगे। हाँ, बागपत दिखा रहा है मुझे। हाँ, राइट, बस ठीक है। फिर सहारनपुर, यहाँ से देखिए सहारनपुर है 129 और शामली है 66। टोल रोड प्रारंभ, यहाँ से टोल रोड स्टार्ट हुई है। बस बागपत आने वाला है तो हमारा पहला पड़ाव बहुत जल्दी 8 किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आई थिंक ये आराम से यहाँ पे मैं मोड़ लेती हूँ, एक मिनट, रोड इधर बंद है और ये एक ही हाईवे। हाँ, इस पे बड़ा संभाल के चलना होगा क्योंकि एक साइड से आना जाना दोनों ही है। थोड़ा सा कुछ कुछ एरिया में अभी एक ही साइड से आना और जाना दोनों है, पर फिर भी इतना कंस्ट्रक्शन के बाद में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला देखो इस तरह, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, समटाइम्स कि कुछ अचानक से आ जाए तो मैनेज किया जा सके। और इस तरफ से मुझे वापस से वेरी गुड, ये शिव मंदिर के पास खुला हुआ है, राधा कृष्ण पाठक मवि कला बागपत, यानी हम लगभग बागपत के बॉर्डर पे है। हाँ, हम लोग 8 किलोमीटर था वहाँ पे बागपत। हाँ, ये बॉर्डर स्टार्ट हो गया, आई थिंक ये बागपत स्टार्ट हो गया, हम लोग बागपत में ही हैं इस समय। और जैसा कि रात में भी ये हाईवे पूरा चल रहा है तो ऐसी कोई सुनसान वाली बात नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन ये हाईवे देख के लग रहा है कि ट्रक बहुत चलते हैं इस हाईवे पे, ये नॉर्मल गाड़ियों से ज्यादा ट्रक दिख रहे हैं, हालांकि हर जगह ही रात में ये देखो ऐसे दिख रहे हैं, वो भी बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी भी दिख रही है, तीन तीन लोग हैं, वाह सोते हुए चल रहे हैं, वाह क्या बात है, सोते हुए बैलगाड़ी।
बैल को पता है कहाँ जाना है भैया, सो जाए कोई बात नहीं, बैल को अपने घर का रास्ता पता होता है। शामली 64, बड़ौत है 24 और बागपत है 6, यानी हम सिर्फ 2 किलोमीटर और आ गया ये पीछे यहाँ पे। गांव बड़ा सही लग रहा है इसमें ना, वो हाँ, बना रखे इधर, हैं अब सारे गांव ही हैं इधर, और मेन गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आते हैं, जहां से किसान आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, बागपत बड़ौत, ये सारा काठा है, ये बागपत में काठा पड़ता है, हम वहां से निकल रहे हैं। अभी तो खैर रास्ता खुला है एकदम, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल 5th में आराम से चल सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल दिख रहा है, हमारे प्राइवेट व्हीकल में अभी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो। ये यहाँ पर कुछ है, शायद दरगाह है, मंदिर है, क्या है, मंदिर है। तो हम लोग बागपत क्रॉस कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं दोनों साइड बागपत की शॉप्स, या पूरा एरिया बागपत है, और इसके बाद आएगा बड़ौत। अभी तक तो फिलहाल एक्सपीरियंस ठीक है, पीके लोग रोड पे घूम रहे हैं, उनका ध्यान रखना है आपको। और शामली यहाँ से बजाय 58 शामली, मेरठ यहाँ से 44 है, मेरठ पास में, हाँ ये शामली 58 है, ज्यादा दूर नहीं है। और अब तो शामली का बाईपास भी ओपन हो गया है, शामली में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब बाईपास बन गया है, तो उसका भी देखते हैं अपडेट। बिना शामली के अंदर जाइए हम लोग, बाहर बाहर निकल सकते हैं, हालांकि रात में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सहारनपुर 121 किलोमीटर, बहुत मैंने स्पीड इसकी खींची भी नहीं है, 60 से 80 के बीच में मैं रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में क्या है ना कि डिवाइडर खुला हुआ है, तो कोई भी क्रॉस कर रहा है, समटाइम्स लाइट है, समटाइम्स लाइट नहीं है, लोगों की गाड़ी में बाइक वाइक वाले हैं, और कुछ गाड़ियों को मैंने देखा काफ़ी उड़ा रही थी, पर मुझे लगता है नहीं है कि इतना ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, संभल के ही चलना चाहिए। डे टाइम में तो आप इतना भी नहीं चल सकते, डे टाइम में तो आपको मुझे लग रहा है 40 से ऊपर शायद ही लोकल, पूरे लोकल वाले भरे पड़े रहेंगे यहाँ पे, साइकिल 20-30 ऐसे चलता होगा, ट्रैफिक यहाँ पे रहता होगा। और अभी यहाँ पर अच्छी खासी रोड खुली हुई है, काफ़ी सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब इस रूट पे पड़ रहे हैं, तो दिन में तो नहीं, दिन में तो इस रूट पे बहुत कम स्पीड पकड़ पाएंगे आप। नाइट में अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा है, निकला जा सकता है, क्योंकि स्पीड मेंटेन रहती है, अगर आप बहुत ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में नहीं रहते कि हाँ 100-120 अगर आपको भागना है, तो फिर इस रूट को लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत है, और अंधेरे में आपको ना तो गड्ढे दिखेंगे, ना ही स्पीड ब्रेकर ठीक से दिखेंगे, और ना ही क्रॉस करने वाले। तो 120 के लिए तो नया एक्सप्रेसवे रेडी हो ही रहा है दिसंबर तक। वैसे तो खैर अगर आपको इतनी स्पीड पकड़नी है तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेसवे ही पकड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये एक्सप्रेसवे कहाँ चला गया अब नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर रोड क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी कैमरे लगे हैं 59-60 की स्पीड, मतलब अगर बहुत ज्यादा भी उड़ा है तो चालान तुरंत घर पे आ जाएगा। बिल्कुल। और स्कूल साइड में बहुत है, तो दिन में तो इसमें बहुत स्पीड कम रहती है। अब आगे ये देखना होगा कि वो एक्सप्रेस वे फिर से हमें कहाँ मिलेगा। हाँ, बागपत में तो नहीं है, अब वो कहीं और किसी रास्ते से निकला है, और आगे जाके मिलेगा कहीं पे, देखते हैं नेक्स्ट अब कहाँ मिलता है। पेट्रोलिंग वाली गाड़ी जा रही है, इसकी गाड़ी है ये। ठीक है, हाईवे ऐसा सुनसान भी नहीं है, थोड़ी बहुत गाड़ियां चल रही हैं।
आपको यहाँ एक और बोर्ड सीओडी कार्यालय जिला अस्पताल. अच्छा ये यहाँ का ये सब ये इंटरनल यहाँ के लोगों के लिए बोर्ड. हालांकि अभी तक कोई भी टोल नहीं पड़ा, इस बात की बड़ी खुशी है. पैसे एक भी खर्च नहीं है सिवाय सीएनजी के. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये, पुलिस लाइन है ये, और ये है यहाँ का वापत का विकास भवन, बैंक ऑफ बड़ौदा. ऐसे करके हम यहाँ से निकल रहे हैं. अभी तक सब ठीक है, चलते हैं आगे. बागपत में आपका स्वागत है. यानी अब हम प्रॉपर बागपत को क्रॉस करेंगे. ये आईआरडीसी का बोर्ड देखा, अभी भी यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट के बोर्ड दिख रहे हैं हमें, पर मेरी गाड़ी है 70 की स्पीड में. आगे एक ट्रैक्टर है बड़ा खतरनाक खुला हुआ, पता नहीं. निवाड़ा ये एक जगह है. निवाड़ा यस. ये छोटे छोटे गांव और कस्बे पड़ेंगे इधर. और एक और बोर्ड आ गया ऊपर NHAI का, यहाँ बहादुरगढ़ 14 शामली 54 सोनीपत 20 किलोमीटर. हम लोग सोनीपत के भी बहुत पास में. मुझे मुड़ना तो नहीं, सीधे जाना है बिल्कुल सीधा. कंटिन्यूस स्ट्रीट. ओके थैंक यू गूगल माता. ये देखो क्रॉस कर रहे हैं, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो. कोई नहीं, डर रहे थे ये शायद मैं मुड़ ना दूं. कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 7950 किलोमीटर. ओके गूगल माता. तो ये आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग बढ़ौत पहुंच चुके हैं. तो यानी कि टाइम इस टाइम करीब 2:30 बज रहा है. 2:30 बजे हम पहुंचे हैं बड़ौत. हम लोग निकले कितने थे, 12 बजे? नहीं 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 12 बजे तो हम लोग घर पे ही थे. 1 बजे 1:30 बजे के करीब, 1:26 पे शायद हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे. हाँ तो मतलब 1 बजे हम लोग निकले थे और 1 बजे से 1.5 घंटा हो गया हमें बड़ौत पहुँचने में. अब यहाँ से शामली 40 किलोमीटर. स्पीड भी नहीं बन पाई ना रास्ते में, स्पीड नहीं थी. अब थोड़ी सी मेंटेन है स्पीड. ये एक्चुअली ये हाईवे है तो अच्छा, लेकिन इसमें लाइट की प्रॉब्लम थी. अभी तो यहाँ पे लाइट दिख रही है क्योंकि सिटी है. कैमरे भी हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा स्पीड मारी ना तो चालान भी कटवाओगे. हाँ इस पे ज्यादा तेज हम स्पीड बना भी नहीं सकते. लाइट भी नहीं थी पर रोड ठीक था. रोड में कोई प्रॉब्लम, रोड अच्छी थी इसीलिए तो यहाँ पर था. रोड अच्छी है तो लोग उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरफ कट है, खुला है, तो कोई कहीं से भी आ सकता है. इसीलिए स्पीड लिमिट लगाई गई, कैमरे लगाए गए ताकि पूरे रोड पे 40 का स्पीड लिमिट था. जहाँ जहाँ मैं कैमरे पहले से देख पा रही थी तो मैंने थोड़ी कम कर रखी थी. अदरवाइज जो हमारा स्पीड है वो हमने जो लिया है अभी तक 60 से 80 के बीच में लिया है. पर यहाँ भी 40 का स्पीड, यहाँ राइट यहाँ पे 40 की स्पीड लिमिट है हर जगह. पर मैंने 60 से 80 के बीच चलाया, कैमरों के आसपास मैंने थोड़ी स्पीड कम कर ली थी. अभी तो कोई कैमरे ऐसे दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, कोई है भी नहीं ना रोड पे, कोई नहीं है, इतना खाली खाली सा है. रात का टाइम है तो, और लेट नाइट मुझे शायद इसलिए भी निकलना अच्छा लगता है क्योंकि रोड बड़ी सुकून वाली होती है. हाँ रोड पे भीड़ भाड़ नहीं होती है. और रात में जब आप बाहर की लाइफ देखते हो ना, हर दिन तो घर में सोना ही होता है रात में, जब आप कहीं बाहर जाते हो तो रात में जब आप बाहर की लाइफ देखते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. हर तरीके की लाइफ दिखती है. लाइक जिनके पास अच्छा कुछ है वो अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, और जिनके पास सुविधाएं थोड़ी कम है आप उनको रोड पे देखिए, तब समझ आता है कि रोड की जो लाइफ है, मतलब लाइफ उनकी भी लाइफ ही है पर कितनी मुश्किल है. और ये उनका एक दिन का दो दिन का एडवेंचर नहीं है लाइक अस, वो हमारी तरह एडवेंचर नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइफ ही एडवेंचर बन चुकी है. तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस रियलिटी को और रह रहे हैं उसके साथ, समझौता कर रहे हैं. तो उनके लिए एक रेस्पेक्ट बनती है, जो आपका लेमैन है उसको देखकर एक बहुत रेस्पेक्ट आती है मुझे. क्योंकि जब मैं उन्हें रातों में इस तरह रोड पे पड़े हुए देखती हूँ, इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए देखती हूँ, तो उनके लिए एक रेस्पेक्ट आती है और ये याद दिलाती है
कि आपके पास कुछ भी हो और आप कहीं पर भी हो, आपको ये नहीं भूलना है कि आप एक इंसान हैं और इंसानों की ज़िंदगी बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। जो लोग हमारे लिए मैन हैं, जो लोग जिनके पास कम सुविधाएं हैं, जो लोग थोड़ी विलेज लाइफ में जी रहे हैं और उनके पास कम पैसे हैं, ज़मीनें नहीं हैं, उनकी लाइफ को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत मुश्किल है ज़िंदगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी। कई बार हम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हाँ जी हमारी लाइफ तो बड़ी बुरी है, हमारी लाइफ में तो कुछ ऐसे नहीं है, हमारी ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। तो मैं इन लोगों को देखती हूँ और मुझे लगता है कि इनके ड्रीम्स का क्या, ड्रीम्स तो इनके भी हैं पर शायद हमारे ड्रीम्स से अलग हैं। हाँ, तो उनकी सोच अलग है, राइट। वो ना जहाँ पर है वहाँ पर भी अपने बड़े सपने देखते हैं और हम जहाँ से हैं वहाँ से हम, ये बवाली गांव है, यहाँ के लोग क्या करते हैं भाई, बवाली गांव है, ये बवाल फैलाते हैं क्या, खैर नाम बड़े फनी फनी होते हैं गांव के, अगर आप रास्ते से निकलेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के नाम मिलते हैं और बड़े फनी से भी लगते हैं, कुछ नाम अच्छे भी मिलते हैं। हाँ मतलब अच्छे तो ये भी लगते हैं, फनी लगते हैं पर अच्छे लगते हैं, जैसे शामली आएगा, शामली अच्छा लग रहा है नाम। शामली नाम सुन के ऐसे वो फील आती है ना, जैसे राधा कृष्णा वाली कृष्णा। हाँ, शामली गान के नाम से मुझे वो मूवी याद आ जाती है। Which one? आजा नचले। अच्छा, उसमें माधुरी दीक्षित शामली की ही रहने वाली थी शायद। ओके, मैंने मूवी देखी है पर मुझे ठीक से याद नहीं है, मतलब डांस याद रह गया वहाँ पे। आप क्योंकि ये सब ऐसे एरिया है कि यहाँ पे डांस या इस टाइप की चीजों को बहुत अच्छा नहीं मानते, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को, तो इसलिए बहुत सारी बाउंडेशंस होती है। और उसने वो बाउंडेशन तोड़ी, वहाँ से बाहर गई और फेम अचीव किया, तो उसके बाद उस गांव की और भी लड़कियों को काफी अच्छा एडवांटेज मिला, बाहर निकलने का मौका मिला। हाँ, ये स्टोरी तो याद आ रही है पर मेरे को ये याद नहीं था कि वो शामली की थी। अच्छा, याद आया, वेरी गुड, ये सही इन्फॉर्मेशन दी आपने। और वैसे भी जितनी छोटी छोटी जगह है ना, छोटे छोटे कस्बे है ना, टैलेंट भर के पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि बड़ी जगहों पे ही टैलेंट है, दिल्ली में टैलेंट है या किसी बड़े मेट्रो सिटी में है, मुंबई में है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह छोटे छोटे गांव कस्बे यहाँ पर टैलेंट भर भर के पर उनको मौका नहीं मिल पाता। ओ भाई सामने बताना। जिसे मौका मिलता है, अब इसमें भी कह सकते हैं ना, किस्मत, किसी की किस्मत साथ देती है और कोई अपनी किस्मत बनाने के लिए इतना बेताब हो जाता है कि किस्मत को उसका साथ देना ही पड़ता है। कोशिश या राइट, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए हमारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, किस्मत बदल जाती है कोशिश करने वालों के लिए। अभी हम बातों में कौन सी जगह आ चुके हैं, मुझे कुछ बड़ौत क्रॉस कर चुके हैं और बड़ौत से हमें लगता है 10 किलोमीटर निकल गए होंगे। शामली बड़ौत से 40 किलोमीटर शो कर रहा था, मेरे ख्याल से वो 25-30 किलोमीटर होगा यहाँ से शामली। बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रूट पे आपको फ्यूल का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मुझे इस रूट पे बहुत सारे पेट्रोल पंप दिख रहे हैं और सीएनजी पंप भी बहुत सारे हैं। सीएनजी भी हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह है और रूट अच्छा है। यहाँ पर तो मुझे कोई पैची रोड नहीं दिखी उसके बाद में, जैसे ही हम लोग ये वाले रूट पे आए तो रूट अच्छा है, प्लेन है, समटाइम्स ना भूल जाती है एक्सीलेटर दबा के पर फिर लगता है नहीं जी थोड़ा कम अच्छा है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं पहला टोल प्लाजा हमारा 1 किलोमीटर आगे आने वाला है। यस, जस्ट 1 किलोमीटर अहेड। और दिल्ली से करीब 82 किलोमीटर हम लोग की गाड़ी चली है, 82 किलोमीटर के बाद पहला टोल प्लाजा यहाँ पे मिल रहा है। और ये जगह है आपकी बसोली या बसोली गांव है इस साइड में। और आगे ये रहा हमारा टोल प्लाजा का, ये सीधे जाना है, 500 मीटर अहेड है। देखते हैं यहाँ पे कितने रुपए का टोल लगता है। हाँ, अभी तो आइडिया नहीं है पर ये पहला टोल प्लाजा है, शायद 120 या 130 का टोल लगे। चलो देखते हैं, लेट्स सी। वैसे रात में ना ड्राइविंग, नैनीताल वाले जब ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने रात में ही वो जर्नी कंप्लीट की थी,
तो मुझे रात का ड्राइविंग अच्छा लगता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ों में कि आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही, हेल्प रहती है, आपको सेफ फीलिंग आती है। अब हम इस टोल प्लाजा में घुस चुके हैं, सबसे पहले तो हम अपना टोल कटवा लेते हैं, देखते हैं क्या है भाई यहाँ पे टोल का सिस्टम। खुल गया। ओके, तो हमारा टोल कट चुका है, कितना कटा मुझे पता नहीं, मैसेज आएगा तो इसमें मैं मेंशन कर दूंगा। हाँ चलो भाई, ये हो गया हमारा शुभारंभ, पहला टोल। वैसे अब जो हाईवे बन रहे हैं या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 90 रुपीज़ का मैसेज आया है। 90 रुपीज़ का टोल था ये, आई थिंक यही एक है भी क्या, शायद एक ही टोल है या एक आध और पड़े। टोल लेने के बाद रोड हमेशा खराब क्यों हो जाती है थोड़ी देर? टोल ले लिया बस, अब आप समझो। टोल लेने के बाद आपकी स्पीड पे लग जाता है ब्रेक, ऐसा क्यों होता है भाई? अब जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, उस नए एक्सप्रेस वे जितने भी, उनपे GPS वाला टोल सिस्टम लग रहा है, यानी कि उसमें ये ऐसे टोल बूथ नहीं होंगे। अब आपकी गाड़ी जहाँ से इंटर हुई है वो GPS से लोकेशन ट्रैक होगी, और जहाँ पे निकली है ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा, कोई टोल गेट और फास्ट ट्रैक का सिस्टम नहीं। फास्ट ट्रैक रहेगा लेकिन ये GPS इनेबल्ड होगा। ठीक है, तो अगली अपडेट आपको देते हैं। इसके बाद एक बोर्ड आ रहा है सहारनपुर 94। यस, तो आपकी माधुरी दीक्षित का गांव आने वाला है ना? हाँ, 31 किलोमीटर पे। 31 किलोमीटर पे आ जाना चले। हाँ, गाना उसका एक बहुत अच्छा था, बाकी मूवी ठीक थी, नॉर्मल। उसका गाना नहीं, ये गाना नहीं, एक और गाना था, तो मुझे उस गाने का याद नहीं आ रहा है। क्या पहना था उसमें गाड़ी उसमें, जो माधुरी दीक्षित का ड्रेस था वो क्या था? ये भी मुझे नहीं ध्यान है। ओके, फिर कैसे लहंगा पहना था या क्या पहना था, गाने का बोल मुझे वो किस जगह पे गाना हुआ था। हाँ, कुछ बोल आ रहा है, उसका बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा था, सेट अच्छा बना था शाम की इसमें। तो भाई हमें मिल गई स्पीड और हम लिए भाग इनको ओवरटेक करके। आप लोग को वो शामली मूवी का एक बड़ा अच्छा सा गाना है, अगर याद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है। एक गाना बहुत अच्छा था, सॉफ्ट सा गाना था बहुत, जिसका सही राइट आंसर होगा ना उसका क्या है भाई? हाँ, उसमें कुछ ऐसे बोलते, ले चल मुझे कहीं दूर या इस टाइप का कुछ बोलता। अच्छा चलो भाई, अब तो वो भी आ गया, गेस करना आसान हो जाएगा। राहत फतेह अली खान का गाना था, देखिए ये भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ। एक फिलिंग स्टेशन का बोर्ड देख पा रही हूँ मैं, ये रहा थाना हमारे ऑपोजिट थाना रमला, रमला, और ये है हमारा राइट हैंड साइड में। चलो जी चलो चांद के पर। नहीं ऐसे नहीं, राहत फतेह अली खान का वो गाना था। अच्छा, खुले आसमान के नीचे शांति से पूरा रोड अपना, ऐसे लगता है रोड किंग बन गए। और ऐसे में गाड़ी चलाना, और लोग कहते हैं नींद आती है रास्ते में, कैसे आती है? नींद खुल जाती है, मुझे तो खुल जाती है। नींद आती है रात में, बहुत लोग को आती है, मतलब मुझे भी आती है, अगर मैं थकी रहती तो शायद। नींद जाम में आती है दिन में, ट्रैफिक में, और ये बहुत आती है, बहुत आती है, नींद भी आती है और नींद भी दुखती है। इतना क्लच ब्रेक पे गाड़ी समटाइम्स होती है कि नीज दुखने लगते हैं, लगता है गिव अप कर दो। और इसी रोड पे ये होने वाला है, अगर ये 40 की आप देख रहे हो ना, ये 40 में कोई चल नहीं पाता होगा शायद डे टाइम में, 40 पे भी चलना मुश्किल होता होगा। ये देखो भाई, गर्मी में अंकल जी ऐसे बाल्टी लेके घूम रहे इतनी रात में, गर्मी वाकई बहुत है इस बार। अच्छा, ये ट्रक वाले को असिस्ट किया इन्होंने, शायद हेल्प की है पानी वानी देने में, इसलिए यहाँ पर ये घूम रहे थे। ये देखो रूम्स पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा, हर जगह पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, बंद है, सारी शॉप्स खुल गई हैं। इस ढाबे पे, अरे सॉरी ढाबे पे कह रहा हूँ, इस हाईवे पे ढाबे नहीं दिख रहे हैं इस टाइम, पहले दिख रहे थे, अब क्योंकि ये सब शहर वाला एरिया पड़ जा रहा है थोड़ा, तो शायद इसलिए नहीं दिख रहे। बीच में पड़े थे ढाबे, कई सारे ढाबे थे, लेकिन वैसे ढाबे नहीं थे हाई फाई, ये नॉर्मल वैसे ढाबे थे जैसे कि नॉर्मल लोग या ट्रक वाले जिसमें खाते हो।
बाकी अच्छे ढाबे अगर देखना है तो मुरादाबाद वाला अपना हाईवे शिवा ढाबा उधर, या मूर्थल मूंगा मूर्थल, ये सब के ढाबे ढाबे, या वो वाला ढाबा जयपुर दिल्ली हाईवे वाला ओल्ड राव। मूर्थल की तो मुझे लग रहा है सारे फैन होंगे, सारे मूर्थल फैन होंगे, जिस सब अगर दिल्ली वाले हैं तो लगभग लगभग सब जा ही चुके होंगे। अगर आप बाहर से हैं तो शायद आपने नहीं देखा हो, पर मूर्थल का तो हर बंदा फैन है। अच्छा विंटर में हमने उसका कभी व्लॉग नहीं बनाया, विंटर में वहाँ पे पराठे खिलाते हैं आपको मूर्थल में? हाँ जी बिल्कुल, उसका व्लॉग बनाएंगे इस बार, शूट करेंगे अमरीक के पराठे। हाँ। क्या बढ़िया, मतलब लालच आ गया, याद दिला दी आपने, वाकई फ्रेश बटर के साथ वो क्या बात है, मतलब जबरदस्त पराठे तो गजब बन के आते हैं। आलू प्याज पराठा मेरा फेवरेट है वहाँ का, और चाय, चाय भी बहुत अच्छी बनाता है। हाँ चाय अच्छी होती है। अमरीक पे पराठे और चाय नहीं खाई तो फिर क्या खाया भाई। गाइज हम लोग शामली पहुंच गए हैं, और ये देखिए शामली शहर के बाहर ही मुड़ना है, यहाँ से इधर ट्रक आ रहा है, ये शामली बाईपास है, ये और राइट पे जाना है। हाँ हम लोग राइट पे जा रहे हैं बाईपास के लिए। ओके इनको निकल जाने देते हैं। ये बाईपास है और ये लेफ्ट साइड शामली गांव में चले जाते, और ये बाईपास शामली को पूरा बाहर ही बाहर क्रॉस करा देगा, और इसके बाद फिर हम लोग सहारनपुर के लिए, अब नेक्स्ट स्टॉप हमारा सहारनपुर ही है। लेकिन बागपत के बाद से ये हाईवे हमें दिखाई नहीं, जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो पता नहीं किस रूट से आया, अभी तक वो एक्सप्रेसवे दिखा नहीं। अच्छा बागपत की साइड में ना स्पीड कैमरे भी थे, उसके बाद में स्पीड कैमरे नहीं है, पर हाँ बहुत जगह 25 बहुत जगह 40 की स्पीड थी, पर कैमरे नहीं दिखे इधर, कैमरे नहीं लगे थे, बट रोड भी थोड़ी वैसी थी कि बहुत तेज नहीं चलाई जा सकती है। लेकिन रोड ठीक है, ठीक है, बट लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं है, बहुत तेज चलाने वाली रोड नहीं है। तो ये हम लोग बाईपास शहर के बाहर बाहर शामली क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ। ये साइड में सामान पड़ा हुआ है, ये बाईपास भी बिल्कुल नया बना है, ये जो है अभी ये बनेगा, कुछ ही महीने पहले शायद ये स्टार्ट हुआ है।